नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। पीलीभीत में ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत से हड़कंप मच गया। खेत की जुताई करते समय यह हादसा हुआ। युवक की ट्रैक्टर के नीचे दबने से दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना के बाद परिवार में मातम छाया हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना हजारा क्षेत्र के टाटरगंज गाँव की पूरी घटना बताई जा रही है। एटा के ग्राम अमरौली रतनपुर में होली के त्यौहार पर रंग खेलने के बाद जब महिलाएं घर पर पकवान बनाने में व्यस्त थी तो उनके पति शराब की खरीददारी में जुट गए। बच्चों द्वारा जब ये खबर महिलाओं तक पहुंची तो उनका पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया और पूरे गांव की महिलाएं इकट्ठा होकर लाठी डंडों के साथ गाँव के बीचों बीच स्थित शराब के ठेके की ओर चलने लगी। महिलाओं के इस रौद्र रूप को देख गाँव के शराबी ठेके से भाग खड़े हुए। महिलाएं ठेके को बंद करने की जिद पर अड़ गई। जब बंद नहीं किया गया तो फिर लाठियां भांजकर दुकानों पर रखी शराब को तहस नहस कर दुकान को आग के हवाले कर दिया। उनका कहना था कि शराब के कारण दर्जन भर से ज्यादा परिवार अपनों को खो चुके हैं। ऐसी स्थिति में जब पति पूरी कमाई पीने में लगा देंगे तो घर कैसे चल पाएगा। काफी समझाने के बाद भी जब पुरुषों ने उनकी नहीं सुनी तो आक्रोशित महिलाओं ने रौद्र रूप धारण कर ठेके को ही फूंक डाला। सेल्समैन ने बताया कि तकरीबन 5 लाख की शराब को आग में जला दिया गया है। आग के हवाले करने के बाद महिलाएं जब वहां से चली गई तो कुछ शराब कट्टी लेकर सड़क से शराब भरने में जुट गए, जो नजारा वाकई देखने लायक था। सूचना पर पहुंची पुलिस और आग की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। ये पूरा मामला अलीगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अमरौली रतनपुर का बताया जा रहा है। आपका क्या नाम है? बलवीर सिंह। आप कहाँ रहने वाले हैं? अमरौली सर। ये बताइए कि जो आपका भाई शराब के आदि के कारण खत्म हुआ, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या क्या उसमें समस्या, कितने दिन हो गए हैं खत्म हुए हुए? इसको करीबन एक महीना हुआ शराब पी के, बहुत शराब पीता था और गांव में ऐसे 2 साल के अंतराल में काफ़ी घटनाएं हुई हैं कि जो कि शराब की वजह से हुई हैं। हमारे भाई की उम्र 35 वर्ष थी जो कि शराब के चक्कर में ये खत्म हो गया है। वहीं अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत जमालपुर रोड चुंगी गेट का एक पूरा मामला है, जहां मोदी योगी सरकार के कार्यों की 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन आज अलीगढ़ सांसद सतीश कौशल ने फीता काटकर किया है। वही दौरान सांसद के साथ एसडीएम, सिटी सीडीओ और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जानकारी देते हुए अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम ने कहा कि के देवी ट्रस्ट द्वारा योगी मोदी डबल इंजन की सरकार के विकास कार्यों की 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन यहां किया गया है। उन्होंने बताया कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश और देश में इस तरह के कार्य कर रही है, इस चित्र प्रदर्शनी में उसको दर्शाया गया। उन्होंने बताया कि ये प्रदर्शनी 3 दिवसीय है जिसमें प्रदेश सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा आमजन को दी जाने वाली योजनाएं सुविधाएं दर्शाई गई हैं। विभाग की ओर से प्रदर्शनी आयोजित की तो क्या उद्देश्य रहता है और आप आज मौके पर? देखिए, इसमें प्रदेश और केंद्र के द्वारा जो योजना चल रही है वो जन जन तक पहुंचाने के लिए सूचना विभाग के द्वारा हमारे द्वारा 3 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई है। लोगों को जन जन तक पहुँचे के विकास क्या हो रहा है, गाँव में शौचालय, मातृशक्ति के लिए प्रधानमंत्री आवास, श्री अन्न योजना, आयुष्मान से 5 लाख तक का बीमा। उन्नाव में बेखौफ बदमाशों ने खेत की रखवाली कर रहे किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर एसपी सीओ समेत 3 थानों का भारी पुलिस फोर्स गांव में पहुंच गया। वहीं परिजन पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस हत्या में शामिल आरोपियों पर 302 हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित कर दी हैं और कह रही है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सरकार से क्या चाहती है, योगी जी से क्या मांग करते हैं, बताइए। वो का मट्टी हो जाए, जैसे हमारे आदमी को हो जाए वैसे हो, मतलब उनका इनकाउंटर किया जाए। क्या मांग है आपकी? थाना बिहार के ग्राम रोनियन खेड़ा में कल रात 9:10 की रात को एक व्यक्ति राजाराम, जो अपने खेत की रखवाली में अपने सो रहे थे, उनकी कुछ लोगों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस मामले में मुकदमा 302 की धारा में पंजीकृत कर लिया गया है। जो इसमें 4 लोग नामजद कराए गए हैं उनकी धरपकड़ के लिए। वहीं कासगंज में मामूली विवाद में दबंगों ने युवक को जमकर पीटा है। करीब 1 दर्जन दबंगों ने युवक को जमीन पर गिराकर अधमरा कर दिया।
बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते युवक के साथ मारपीट की गई है। युवक के साथ मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। सिजपुरा थाना क्षेत्र के नगला चूरे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। उन्नाव में ताली वाली सजा का एक वीडियो वायरल हुआ है। प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। प्रेमी प्रेमिका को एक साथ कपड़े से बांधकर जमकर पीटा गया है। ताली वाली सजा देते हुए किसी ने वीडियो बना लिया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आपको बता दें कि दोनों को इतना मारा गया है कि दोनों की हालत बिगड़ गई है। वहीं जब दोनों की हालत बिगड़ी तो ग्रामीण उन्हें छोड़कर भाग खड़े हुए। बरसागावर थाना क्षेत्र के मुल्हाखेड़ा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां से वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आगरा में होली का जश्न देखा गया, लेकिन यहां से एक सनसनीखेज वारदात भी सामने आई है। दरअसल आगरा में होली खेलने गई किशोरी जंगल में खून से लथपथ मिली। बताया जा रहा है कि अपने मौसी के घर वो होली खेलने के लिए गई थी। जब वापस नहीं आई तो परिजनों ने तलाश शुरू की, जिसके बाद परिजनों ने दुष्कर्म की आशंका जताई है। किशोरी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता के बयान के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। आगरा थाना सिकंदरा क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये मामला सर गैंग रेप का है, और कल लड़की होली खेलने के लिए घर से बाहर गई थी सर, तो अज्ञात लोगों ने, अभी नाम ओपन नहीं हुए सर, जो लड़की बयान देने के हालत में होगी जब बताएगी, और घर से गांव से बाहर जंगलात बढ़ता है, और इसको जंगल में गाड़ी में डाल के इस बच्ची को ले गए हैं। सिकंदरा क्षेत्र के नक्टा क्षेत्र में एक 15 वर्षीय बच्ची घायल अवस्था में मिली है, और जिसका इलाज यहाँ अस्पताल में चल रहा है, और उनके परिवार के द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर मुकदमा लिख लिया गया है। वही बांदा में घर में सो रहे 70 वर्षीय बुजुर्ग भाविदीन की गला दबाकर हत्या कर दी गई। गांव के चौकीदार ने जिसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस अधीक्षक अभिनंदन भारी पुलिस बल के साथ और फोरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पूछताछ के लिए मृतक भाविदीन के भांजे नीतू को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि भाविदीन अविवाहित था, देखभाल के लिए भांजा नीतू उनके साथ रहता था। पुलिस के मुताबिक मृतक के नाम करीब 15 बीघा जमीन थी। जमीन को लेकर ही भांजे नीतू पर मृतक की हत्या की आशंका है। मामला मढ़ौ थाना अंतर्गत मोहनपुरवा गांव का बताया जा रहा है। आज सूचना मिली कि थाना मटौंद क्षेत्र में मोहनपुरवा गांव पड़ता है, उसमें एक भवानी दीन नाम के व्यक्ति, जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष है, वो घर में मृत अवस्था में पड़े हैं। तत्काल इस सूचना पर हम सभी लोग यहाँ मौके पर आए हैं। हमारे साथ फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड ने भी सीन ऑफ क्राइम का एनालिसिस किया है। अभी जो प्रथम दृष्टया जो चीज़ जांच में समझ में आ रही है कि गला दबा के इनको मारा गया है। कासगंज में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की है। दबंगों ने घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में 5 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 महिलाएं हैं और उनकी हालत गंभीर है। तीनों लोगों की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया। घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहावर भेजा गया है। पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने फैसले के लिए दबाव बनाया। फैसला न करने पर महिलाओं के साथ मारपीट की। सहावर थाना क्षेत्र के मोहल्ला काजी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और मैं काजी मोहल्ले में बाल्मीकि बस्ती में रहती हूँ। संजय हमारे हमसे पुरानी रंजिश मानता है, और उसके लिए उसने ज़बरदस्ती हम पर दबाव बनाया कि हम समझौता करें। हमने जब समझौते से इनकार कर दिया तो उसने हम पर जानलेवा हमला किया और मेरे पूरे परिवार पर लाठी डंडे से मारा है, जिससे हम लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। और सभी लोगों के और हमारे कपड़े फाड़े गए हैं, हमको ज़बरदस्ती घसीट लिया है, दबा लिया दोनों भाई। बढ़ती महंगाई और रोजगार को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और इसी को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेर भी रही है। कांग्रेस द्वारा लगातार इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा हरिद्वार बहादुराबाद काली माता तिराहे पर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला दहन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि सरकार बढ़ती महंगाई को कम करे, नहीं तो लगातार कांग्रेस द्वारा सरकार के खिलाफ यूं ही विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जब से भाजपा सरकार
केंद्र और राज्य में सत्तासीन हुई है, सभी से लगातार महंगाई का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। मध्यम वर्ग के आदमी का जीना आज के टाइम में मुहाल हो गया है। एक तो जो भाजपा सरकार में कमर तोड़ महंगाई हो चुकी है, सिलेंडर देख लीजिए आप, 2014 में उस वक्त सिलेंडर 390 रुपये का था और स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेंट कर रही थी। झांसी के एनएच वेतवा पर कल दो दोस्त नदी में डूब गए थे, जिनकी खोजबीन लगातार जारी है। झांसी कस्बा थानापुंज क्षेत्र के अंतर्गत का एक पूरा मामला है, जहां वेतवा नदी में एनएच नहर कोठी निवासी 6 दोस्त होली पर नहाने के लिए आए हुए थे और नदी में नहा रहे थे, तभी सभी लोग अचानक गोते खाने लगे। वहां मौजूद अन्य लोगों ने नदी में गोते खा रहे लड़कों को बाहर निकाला, लेकिन 6 लोगों में से नदी से बाहर सिर्फ 4 लोग ही आ सके। बाकी 2 युवक बताए जा रहे हैं, उनमें से एक को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन 18 घंटे से एक और को बचाने का रेस्क्यू लगातार जारी है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है, गोताखोरों की मदद से छानबीन भी चल रही है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नजर नहीं आई है। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार दुबे। कहाँ के निवासी हैं? तीरथ। ये क्या घटना हो गई है? अरे ये बच्ची जो है कल होली खेल खाल के आई थी, यहीं पर नहा रही थी, तो यहाँ पर थोड़ी गहराई है तो वहाँ पर डूब गए हैं 6 बच्चे। सर क्या नाम है आपका? मैं SI मोहम्मद हफीज खान, SDRF से। बीदल टीम हमारी इटावा में थी, वहाँ से आई। सर ये बच्चे अभी तक नहीं मिल पाए, क्या कारण है? ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ड्यूब डाइवर भी उतार चुके हम। झांसी में ग्राम सोनकापुरा निवासी गुगल प्रसाद पुत्र भागीरथ ने थाना लहचोरा पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वो घर से दुकान की तरफ जा रहा था, तभी गांव के पास से दबंगों लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते रास्ते में रोककर उसके साथ गाली गलौज की, जमकर मारपीट करते हुए कुल्हाड़ी की बट से उसे मारकर लहूलुहान कर दिया। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए बताया है कि दबंगों लोग हाथ से सोने की अंगूठी और 1500 रुपए छीनकर भाग गए हैं। वहीं पीड़ित घायल को पुलिस द्वारा उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोरानीपुर लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया गया है। कितने लोग थे वो लोग? 5-6 लोग थे। और कोई सामान वामान भी है? अंगूठी थी और 1500 रुपए जेब में डाले थे। क्या पहले से कोई विवाद था? पहले से विवाद नहीं था, एक दो बार ऐसी होगा झगड़ा। अच्छा, तो बस पहले से उन्हें अकेला जान के मारपीट की। अच्छा, तो आपने पहले शिकायत नहीं की? पहले शिकायत की थी तो ऐसी हो गया था थाने में, राजीनामा हो। फरुखाबाद में एक नाबालिग के साथ दरिंदे ने तमंचे के बल पर दुष्कर्म किया। घर से कुछ दूरी पर ले जाकर बंद पड़े सुनसान मकान के अंदर दरिंदे ने इस घटना को अंजाम दिया। परिजनों के खोजबीन करने पर कमरे में बदहवास हालत में नाबालिग मिली है। नाबालिग घर से कुछ दूरी पर खेत में काम कर रहे परिजनों को खाना देने जा रही थी, तभी आरोपी ने सुनसान जगह देखकर बंद पड़े मकान में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं नाबालिग के चाचा द्वारा आरोपी से शिकायत करने पर दरिंदे ने नाबालिग के चाचा से ही मारपीट की और हमला कर आरोपी फरार हो गया है। पुलिस ने नाबालिग को मेडिकल के लिए भेज दिया है। मामला मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र का है, फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। एक तरफ जहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश से गुंडे माफियाओं का खात्मा कर दिया गया है और कोई भी व्यक्ति अब माफियागिरी या गुंडागर्दी करता है तो उससे पहले वो हजार बार सोचेगा, लेकिन वहीं यूपी के संतकबीरनगर जिले से घनघटा थाना क्षेत्र के भरवल पर्वत गाँव में होली पर्व के अवसर पर कुछ युवकों ने होली खेलते समय जमकर असलेह का प्रदर्शन किया है, लहराए हैं, हवा में खूब असला लहराया, जिसका वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन किस तरह से कार्रवाई करता है। फिलहाल घनघटा तहसील के क्षेत्राधिकारी दीपांशु राठौर ने कहा है कि वीडियो को संज्ञान में लिया गया है, उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं संत कबीर नगर की, जहां पर असला लहराते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। ग्राम भरवल पर्वता का एक होली के दिन का वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें संबंधित थाने से जाँच कराकर उचित वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।